हेलो गाइस, दिस इज संग्राम चौगले और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा और स्नेहल का वर्कआउट जो लॉकडाउन में लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि लॉकडाउन में अगर हमारे पास दो ही डंबल है या फिर बहुत कम इक्विपमेंट्स है तो हम लोग अपने बॉडी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सो गाइस, यू कैन डेफिनेटली ट्रेन योर बॉडी अगर आपके पास दो डंबल है तो आज मैं और स्नेहल हम दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। ओनली अपर बॉडी का वर्कआउट हम लोग करेंगे विथ टू डंबल्स। उसमें डंबल का यूज़ कुछ कम मसल्स के लिए हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्री वर्कआउट भी है। सो गाइस, जस्ट फॉलो दिस रूटीन अपने लॉकडाउन पीरियड में और खुद को फिट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ अपर बॉडी रूटीन। सो लाइड ऑन द फ्लोर, दो डंबल लीजिए जैसे आप जिम में करते हो वर्कआउट, बस फ्लोर पे करना है। जब डंबल नीचे लेंगे तो ब्रीथ इन करना है, एल्बोज नीचे रेस्ट करने हैं, वन रेस्ट देन पुश, टू थ्री पुश डाउन, पुश डाउन पुश। आपको ख्याल रखना है कि आपके एल्बोज नीचे जोर से हिट नहीं होने चाहिए, नहीं तो इंजरी हो सकती है। लेकिन एवरी टाइम आपको शोल्डर नीचे टच करने ही करने हैं, वन देन जब आप ऊपर लेंगे तो आपको डंबल प्रेस करना है चेस्ट से, जस्ट उठाना नहीं है। सो आपको चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, सो लाइक दिस, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। देन आपका कोर हमेशा टाइट होना चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो, सो आप वो वेट जो है इजीली उठा पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट वेरिएशन चेस्ट के लिए, जिसमें आपको जैसे आप बेंच प्रेस करते हो सेम करना है, लेकिन एल्बोज आपको नीचे रेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आप नीचे फ्लोर पे कर रहे हो। एक ख्याल रखना है कि आपको नीचे आपके शोल्डर्स जोर से हिट नहीं होने चाहिए, सॉरी एल्बोज, ताकि एल्बोज की इंजरी ना हो। सो वेट लाइट वेट लीजिए, मूवमेंट फॉर्म टेक्निक सब आपको चेक करना पड़ेगा। और वेट जब आप नीचे लेते हो ब्रीद इन, जब पुश करते हो ब्रीद आउट, जस्ट हाथ से वेट नहीं उठाना है, आपको चेस्ट से प्रेस करना है, या मतलब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करनी है। तो लाइक वाइज आपको ए सेट परफॉर्म करना है, इसके आपको करने हैं दो सेट्स और रिपीटेशन रहेंगे 12 से 15। इसके बाद हम लोग जाते हैं सेकेंड वेरिएशन के लिए, सेम फ्लोर पे करना है, बस अपना हाथ सुपाइन हो जाएगा जो आपके मिडिल चेस्ट पे एक्टिवेट हो जाएगा। और इस वर्कआउट से आपके मिडिल चेस्ट और आपके शोल्डर्स है साइड का पार्ट चेस्ट का, वो भी डेवलप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड सेट। सेम चीज है, शोल्डर के ऊपर आपके हाथ आने चाहिए, जस्ट डंबल की पोजिशन चेंज हो गई है। आपको नीचे लेना है, देन सेम मूवमेंट में आगे ऊपर प्रेस करना है, ब्रीदिंग सेम रहेगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप इसमें एक वेरिएशन कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो, जब आप नीचे दाओगे तो आपको डंबल रोटेट करने हैं, जब ऊपर आओगे तो फिर से ट्विस्ट करने हैं, इनसाइड रोटेशन देन आउटसाइड ट्विस्ट, रोटेशन ट्विस्ट। सो ये वर्कआउट रहेगा आपके अपर एंड मिडिल चेस्ट के लिए। सो ये था अपना सेकेंड वेरिएशन, जिसमें आप डंबल सुपाइन पोजिशन में रखने वाले हो, यहां पे भी आपकी चेस्ट ही एक्टिवेट हो जाएगी, बट आपका मिडिल पोर्शन और जो अपर का पोर्शन रहेगा वो, यहां पे भी जब नीचे लोगे ब्रीद इन, ऊपर प्रेस करोगे ब्रीद आउट। इसके भी आपको करने हैं दो सेट्स और रिपीटेशन रहेंगी 12 से 15। सो चेस्ट का और एक वेरिएशन सिमिलर है, चेस्ट फ्लाई। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ेगा क्योंकि जब आप फ्लाई करते हो तो शायद वेट आप बैलेंस नहीं कर पाओगे और आपके एल्बो जोर से नीचे लग सकते हैं। सो जस्ट टेक केयर ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। एक्चुअली सब सेट के लिए आपको केयर करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजुरी कभी नहीं होनी चाहिए, भले आपको रिजल्ट थोड़े लेट मिले, आपकी बॉडी थोड़ी डेवलप लेट हो जाए, बट इंजुरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बार इंजुरी हो जाएगी देन आपको पूरा की पूरा
एक दो तीन या डॉक्टर जैसे बोलेंगे उतना रेस्ट लेना पड़ेगा। सो बेटर आप स्टार्टिंग से ही ख्याल रखोगे तो आपका फिटनेस अच्छा बन जाएगा, ताकि आप अनफिट बन गए। सो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको हर सेट में या आप घर में हो या जिम में हो केयर करके करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सेट, जिसमें हम लोग करेंगे फ्लाई ऑन द फ्लोर। सेम पोजिशन नंबर रहेगा, सो फ्लाई करते समय आपको हाथ फ्लाई करने हैं, 1 2 ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब नीचे जाओगे ब्रीद इन, जब ऊपर आओगे तो आपको चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करनी है, ये आपके रहेंगे आउटर पेट्स के लिए और अपर चेस्ट के लिए। सो फ्लाई कॉन्ट्रैक्ट। गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने के साथ ही हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आजकल जैसे कोविड चल रहा है ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वायरल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का तरीका है थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। बट ये क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल कहाँ पे किया जाए, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन एंड प्रॉब्लम है, और इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी है, और बहुत ज़्यादा लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में कम्प्लीटली लीगल है। बस इसका एक कन्फ्यूजन क्या है सबका कि क्रिप्टो करेंसी से आप कुछ भी बाय और सेल नहीं कर सकते। जैसे कि आप गोल्ड और सिल्वर लेते हो, उससे आप दूसरी चीज़ बाय और सेल नहीं कर सकते हो, सेम क्रिप्टो करेंसी से आप कुछ भी बाय या सेल नहीं कर सकते हो। तो अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे कि हम क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कॉइन डीसीएक्स गो ऐप, जिसे डेवलप किया है इंडिया की लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम है कॉइन डीसीएक्स। सो गाइस अब आते हैं इसके कुछ की फीचर्स पे, लाइक इंस्टेंट ऑर्डर सेटलमेंट, हाईएस्ट लिक्विडिटी, लो रिस्क, क्योंकि आप जस्ट 100 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हो और 10 रुपये से लेके बिटकॉइन बाय कर सकते हो। और अगर बात आती है सिक्योरिटी की, तो आपके सारे फंड्स बिटकॉइन से सिक्योर्ड है, और टॉप ऑफ दैट इट्स ISO सर्टिफाइड। इसमें KYC भी बहुत ज़्यादा सेफ एंड फास्ट है, क्योंकि आप ऑनलाइन कर सकते हो। नॉट लास्ट बट लीस्ट, कॉइन डीसीएक्स गो ऐप ISO सर्टिफाइड और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो तो आप DCX लर्न प्लेटफॉर्म पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो अगर आपको भी बिटकॉइन बाय या सेल करने हैं, तो आपको जस्ट कॉइन DCX गो ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सो ये था अपना चेस्ट का वर्कआउट, जिसमें हम लोग 3 वेरिएशन ले रहे थे, और तीनों वेरिएशन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। जस्ट आपको हर वेरिएशन में खुद का ख्याल रखना पड़ेगा इंजुरी से बचने के लिए। हम लोग नेक्स्ट सेट ले रहे हैं बाइसेप्स का। बाइसेप्स में हम लोग करेंगे 2 वेरिएशंस, जिसमें एक रहेगा बाइसेप कर्ल और दूसरा रहेगा बाइसेप हैमर कर्ल। क्योंकि आपके पास 2 डंबल है, सो लिमिटेड वेरिएशंस में ही हम लोग अपने मसल को ट्रेन करेंगे, क्योंकि अपना गोल यहाँ पे है फिट रहना। सो ट्रांसफॉर्मेशन का ज़्यादा इसमें हम लोग ख्याल रखेंगे नहीं, बट यू कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो विथ दिस 2 डंबल्स, अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट डाइट एंड रेस्ट ये तीनों चीज़ें करेंगे तो। सो लेट स्टार्ट आवर बाइसेप्स। आपका हाथ पूरा नीचे नहीं छोड़ना है, एल्बो थोड़े सॉफ्ट करने हैं और डंबल्स आपको कैरी करने हैं बाइसेप्स से। अगर आप पूरा छोड़ेंगे तो आपके एल्बो पे आता है, आप चेक करके देख लेना। तो थोड़ा सा एल्बो सॉफ्ट, पूरा बाइसेप का वेट आपके डंबल का वेट आपके बाइसेप पे जाना चाहिए। देन 1 कंप्लीट क्विज कीजिए, होल्ड इट, देन स्लोली डाउन, 1 डाउन, 1
डाउन, जब ऊपर लेंगे ब्रीद आउट, नीचे लेंगे तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सो बाइसेप डंबल करके हमें करने हैं दो सेट्स, रिपीटेशन सेम 12 से 15, जस्ट आपको फॉर्म एंड टेक्निक्स अच्छे से करने पड़ेंगे। बॉडी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, चेस्ट आप जब आप बाइसेप पकड़ोगे तो पूरा नीचे नहीं पकड़ना, थोड़ा सा बाइसेप पे टेंशन होना चाहिए। देन जब ऊपर लेंगे ब्रीद आउट, नीचे छोड़ेंगे ब्रीद इन, और इसके करने आपको दो सेट्स 12 से 15 रिपीटेशन। इसका नेक्स्ट वेरिएशन रहेगा बाइसेप हैमर, सेम पोजिशन रहेगी, फॉर्म टेक्निक सेम रहेगा, जस्ट हाथों की पोजिशन बदल हो जाएगी। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सेम आपको हाथ पूरा नीचे नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा बाइसेप में टेंशन रहना चाहिए ताकि आप पूरा वेट बाइसेप से ही लिफ्ट करें। वन होल्ड टू, वन होल्ड टू, वन होल्ड टू, जब ऊपर उठाएंगे ब्रीद आउट होल्ड ब्रीद इन, ब्रीद आउट होल्ड ब्रीद इन। एल्बोज मूव नहीं करने हैं, एल्बोज एक ही जगह पे चाहिए, जस्ट आपको हाथ ऊपर लेने, वन होल्ड टू, वन टू। इसके करने आपको दो सेट्स और रिपीटेशन सेम रहेंगे 12 से 15। जब ऊपर उठाएंगे ब्रीद आउट, नीचे छोड़ेंगे ब्रीद इन, चेस्ट अप चाहिए, बॉडी स्टेबल चाहिए, हाथ में जो बाइसेप उसमें टेंशन चाहिए, पूरा हाथ नीचे नहीं छोड़ना है। सो ये छोटी छोटी टिप्स याद रखिए क्योंकि यही आपको रिजल्ट्स देने में यूजफुल रहेगी। सो अपना नेक्स्ट वर्कआउट है शोल्डर के लिए, जिसमें रहेंगे दो सेट्स शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस, देन फ्रंट रेजेस, क्योंकि हम लोग फ्रंट बॉडी मसल्स ट्रेन कर रहे हैं। सो रिपीटेशन इसमें भी सेम रहेंगे 12 से 15, और सेट्स कैसे करने मैं आपको बता रहा हूँ। सो डंबल पोजिशन, डंबल थोड़े से अंदर ट्विस्ट चाहिए, देन ब्रीद आउट ब्रीद इन, पूरा हाथ स्ट्रेट मत कीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए, नीचे पूरा कंप्लीट मूवमेंट होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, वन स्लो मोली टू, वन स्लो, वन गुड, वन गुड, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शोल्डर जब नीचे लेंगे तो पूरा मूवमेंट होना चाहिए, बस ऊपर आपको पूरा एल्बो स्ट्रेट नहीं करना है, पुश गुड, पुश गुड, वेरी गुड, इसके करने हैं दो सेट्स, रिपीटेशन रहेगी 12 से 15। नेक्स्ट सेट रहेगा डंबल फ्रंट रेजेस, जो आपके सामने वाले डेल्ट, एंटीरियर डेल्ट का मसल है उसका, उसके वर्कआउट के लिए ये सेट रहता है। सो जस्ट मैं आपको विदाउट डंबल बताऊंगा, लिफ्ट डंबल इन शोल्डर लाइन डाउन, जब उठाओगे ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। सो लेट्स स्टार्ट, टू वन टू, वन टू, वन। जब डंबल रेस कर रहे हो तो हाथ ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है, आपका जो डंबल का नीचे का पोर्शन है वो आपके शोल्डर के सामने आना चाहिए, वन टू। व्हेन आई लिफ्ट ब्रीद आउट देन ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। सो जब आप ये वर्कआउट करते हो सो ध्यान में रखिए कि आपके जॉइंट्स के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ एंटीरियर यानी फ्रंट डेल्ट का वर्कआउट करना है। सो बॉडी भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जस्ट हाथ की मूवमेंट है, डंबल का वेट पूरा शोल्डर लिफ्ट करना चाहिए, और वो भी आपके फ्रंट शोल्डर। इसमें आपकी चेस्ट की नॉल भी होती है, सो चेस्ट मसल भी ट्रेन होता है और डेल्ट भी, वन एंड टू। सो गाइज ये था हमारा शोल्डर का वर्कआउट, इसके बाद हम लोग ले रहे हैं एब्स। एब्स में मैं तीन वेरिएशन ले रहा हूं, फ्रंट क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस एंड ऑब्लिक्स। सो एब्स का मेरा वीडियो आपने देखा नहीं रहेगा तो प्लीज जाके चेक कीजिए, उसमें मैंने बताया कि एब्स प्रॉपर करने कैसे है, जिसमें
बैक की पोजीशन और नेक की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जस्ट जाके वो चेक कीजिए, यहाँ पे करते करते आपको बताऊंगा। बट पूरा एब्स का वीडियो अगर देखना है कि विच इज द राइट वे टू डू द एब्स, सो आपकी नेक और लोअर बैक पेन नहीं करेगी आफ्टर एब्स। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 सेट्स, जिसमें फ्रंट फॉरवर्ड क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस एंड ऑब्लिक्स। सो एब्स करते समय दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो आपकी बैक फ्लैट होनी चाहिए, उसके लिए आपके एब्स टाइट होने चाहिए, और जो नेक है उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको ऊपर देखना है। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की हेल्प हो जाएगी आपके पैर को सपोर्ट करने के। सो जस्ट आपको पेट टाइट करना है, बोल्ड नेक आप नीचे भी रख सकते हो सामने, लेकिन आपको जस्ट ऊपर देखना है। तो हाथ आप नेक के नीचे भी ले सकते हो या फिर नॉर्मल सामने भी रख सकते हो। सो दिस इज द कंफर्टेबल पोजिशन, होल्ड एब्स देन वन, इतना ही आना है ऊपर, टू वन वन टू, वेन यू कम अप ब्रीथ आउट डाउन। जब आप नीचे जाते हो तो आपके एब्स लूज नहीं होने चाहिए, मतलब आपको क्रंच करते समय कंप्लीटली आपके एब्स पूरा सेट होने तक होल्ड ही करने। सो वन टू वन, यू कैन पुट हैंड हियर सो दैट यू विल फील, वन टू वन टू वन टू वन टू, यस। तो इसके हमें करने हैं 2 सेट्स, रिपीटेशन रहेंगे 12 से 15। इसके बाद हम लोग करेंगे रिवर्स क्रंचेस। सो सेम पोजीशन रहेगी, जस्ट लेग अप, आप ये लेग स्ट्रेट करके भी कर सकते हो, बट जस्ट मैं इसी पोजीशन में आपको बता रहा हूं, आपके हाथ ग्लूट्स के नीचे रखिए, एब्स टाइट है, सो जस्ट नीचे टच नहीं करना है, पर यहां से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसके करने हैं 2 सेट्स, इसमें रिपीटेशन रहेंगे 12 से 15। इसके बाद का एब्स का सेट है क्रंच ऑब्लिक्स। सो ऑब्लिक्स के लिए आपको जस्ट आपकी बॉडी ट्विस्ट करनी है। एब्स का पहला सेट था फॉरवर्ड क्रंचेस, जो आपके एब्स पैर नीचे रख के भी कर सकते हो या फिर ऊपर रख के भी कर सकते हो, आप एब्स का वीडियो जाके चेक कीजिए, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। सेकेंड वेरिएशन था रिवर्स क्रंचेस, वो भी सेम, आप लेग फोल्ड करके भी कर सकते हो या फिर स्ट्रेट रख के भी कर सकते हो, वो भी सेम, जिसकी मूवमेंट्स या फिर एब्स होल्ड कैसे करने हैं, लेग्स की पोजीशन क्या चाहिए, ये भी मैंने पूरा उस वीडियो में बताया हुआ है। थर्ड एंड लास्ट सेट रहेगा अपना, वो है ऑब्लिक्स। तो ऑब्लिक्स करते समय आपकी जस्ट बॉडी टिल्ट हो जाएगी और पूरा एक आप एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हो और दूसरा आपका हाथ जो है वो ऊपर नेक के पीछे रहेगा एंड आपको क्रंच करना है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर ऑब्लिक्स। जो अब नीचे का हाथ आपका है, एक तो आप नीचे रह सकते हो ऐसा या फिर होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे एक हाथ ऊपर रहेगा और जस्ट एक साइड से ऊपर आए, वन, जब ऊपर आओगे ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ इन, एल्बो का सपोर्ट लीजिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके अगर सेट कर जब करते हो आप तो दोनों साइड में 12 से 15 एक सेट हो जाएगा, ऐसे आपको करने हैं 2 सेट्स, यानी राइट साइड में आपको करने हैं 12 से 15 रिपीटेशन 2 सेट्स और लेफ्ट में आपको करने हैं 12 से 15 रिपीटेशन 2 सेट्स। सो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा डंबल रोइंग, जो हम लोग दोनों डंबल एक साथ करेंगे। सो जस्ट चेकआउट द फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, ब्रीथिंग एंड देन इसको फॉलो कीजिए। बैक आर्च नी विल बेंड, देन व्हेन यू लिफ्ट ब्रीथ आउट होल्ड डबल अप।
रोइंग को आपको करना है दो सेट्स, जिसके रिपीटेशन रहेंगे 12 से 15। सो रोइंग के बाद हम लोग करेंगे ट्राइसेप किकबैक। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2 डंबल्स, और यहाँ पे भी कंफर्टेबल है अगर आप कर सकते हो दोनों आप से एक साथ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन परफॉर्म विथ सिंगल आर्म। सो जस्ट चेक इट आउट द फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। तो सेम पोजिशन, नी बेंड, बैक आर्च, होल्ड डंबल, देन पुश पुश। किकबैक करते समय याद रखिए कि आपको एल्बो की मूवमेंट नहीं करनी, एल्बो स्टिप करना है, देन किकबैक अगर पॉसिबल हो तो 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, देन अगेन टेक डाउन। जितना स्लो मूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाएंगे। सो अब हम करेंगे लोअर बैक एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं डेड लिफ्ट विथ 2 डंबल्स। यहाँ पे भी अपने पास लाइट वेट है, सो जितना आप मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो और जितना मसल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा हेवी करने से मसल्स बनते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादा हेवी करने से आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो लाइट वेट के साथ भी हम लोग मसल्स ट्रेन कर सकते हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके पास 2 डंबल है फिर भी आप सारे के सारे मसल्स का वर्कआउट कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई दिस। तो हम लोग बैक के लिए डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको नी बेंड करने हैं, बैक आर्च, गो डाउन, देन अप। जब आप नीचे आते हो ब्रीदिंग मैंने कम अप ब्रीद अप। यहां पे क्या दर्द होता है कि लोग पीछे ज्यादा बेंड करते हैं बैक, तो ऐसा नहीं करना है, जस्ट गो डाउन अप, गो डाउन अप। जब डंबल आप नीचे लेके जाते हो तो आपका पूरा टेंशन जो है आपके लोअर बैक पर रहेगा, देन गो डाउन स्लोली, कम अप विद बैक, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये करते समय आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे भी टेंशन आता है, वो मसल भी यूज हो जाते हैं, बट डोंट वरी वो हमारे रहेंगे सेकेंडरी मसल्स। सो प्राइमरी मसल रहेगा लोअर बैक, वही पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करके ये सेट करना है। सो गाइज हम लोग अभी नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे श्रग्स। श्रग्स ये बैक का मसल है, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि श्रग्स शोल्डर का मसल है, बट श्रग इज अ बैक मसल। सो मोस्टली इसको बैक के दिन पे आप ट्रेन करेंगे अगर आप जिम जाते हो तो अभी आपको बता रहा हूँ मैं कि कंप्लीट बॉडी में श्रग कैसे ट्रेन करना है, बट अगर आपको श्रग ऐड करना है आपके वर्कआउट के रूटीन में तो ट्राई कीजिए कि इसको बैक के रूटीन में ऐड कीजिए, क्योंकि इट्स अ बैक मसल है, शोल्डर का मसल नहीं है। सो श्रग करने के लिए दिस इज द पोजिशन, थोड़ा सा आपको नीचे बेंड होना है, आगे बेंड होना है, नी थोड़े सॉफ्ट रखनी है और डंबल को जस्ट ऊपर लिफ्ट करना है और छोड़ना है। डंबल को आगे करके लिफ्ट नहीं करना है शोल्डर्स, शोल्डर पीछे रहने चाहिए और बैक साइड पे शोल्डर लिफ्ट करना है। 1 2 ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऊपर जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा और आपके श्रग्स डेवलप हो जाएंगे। सो जस्ट मूवमेंट मत कीजिए, आपको हर रिपीटेशन पे होल्ड करना है, देन डाउन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सो गाइस इसके हमें करने हैं 3 वेरिएशंस और हर वेरिएशन में आपको करने हैं 15 से 20 रिपीटेशंस, क्योंकि आपके पास डंबल लाइट वेट का है, सो मसल पे कॉन्ट्रेक्शन आने के लिए आपको थोड़ा मैक्सिमम रिपीटेशंस लेने पड़ेंगे। सो गाइस ये था अपना कंप्लीट अपर बॉडी का वर्कआउट जो मैंने कपल सीरीज में बनाया। मैं और स्नेहल ऐसे ही वीडियो बनाना चाहते हैं आपके लिए, बट इसके लिए
आपकी रिक्वायरमेंट्स हमें मालूम होनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि आपको दूसरे कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो चले जाएंगे तो उनको भी लॉकडाउन में अपनी बॉडी फिट बनाने के लिए नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द वीडियो, और जैसे मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए कि आप कौन से मसल्स के ऊपर या फिर कौन से फिटनेस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, जिससे हम दोनों उसके ऊपर वीडियोस बढ़ा सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।